अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एसएससी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम कल से ही यहां पर रुकी हुई थी। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में ले ली गई है। ईडी ने करीब 26 घंटे तक पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और इसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी के अधिकारियों ने चैटर्जी के आवास पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से उनसे पूछताछ शुरू की और ईडी को चैटर्जी की निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की दक्षिणी कोलकाता से स्थित एक संपत्ति जिसकी 20 करोड़ रुपए राशि नगद मिली है वहां पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब ये कथित घोटाला हुआ तब चैटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। परिवर्तन निदेशालय इस घोटाले में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ धन शोधन संबंधी पहलू की जांच कर रहा है। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जिलाधिकारी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रार्थना पांचांग 3 के तहत ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी कमल किशोर कमल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तारापुर की शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं से प्रश्नोत्तर का संतुष्टि जाहिर की गई है और इसी दौरान छात्राओं ने देशभक्त गीतों के माध्यम से मुख्य अतिथियों का उनके उपस्थित जन समुदाय और शिक्षकों का मन मोह लिया। प्रार्थना पंचांग एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे जनपद के मुखिया आदरणीय डीएम महोदय और आदरणीय सीडीओ सर तथा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया आदरणीय बीएसए सर के दिशा निर्देशन में नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम प्रार्थना पंचांग का फेज तीसरा है। हम लोगों ने 2 कार्यक्रम पहले किए हैं और ये तीसरा कार्यक्रम है और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से बच्चों की कार्यक्रम में एकदम औचक आना हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ के जो अभिभावक हैं उनको ये मैम के रूप में, मनीषा मैम और सुधा मैम के रूप में, जो इनको एक प्रचार के रूप में, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बिन मांगे मोती मिले, वैसा इनको ये प्रचार टीचर के रूप में मिला। मैं चाहूँगी अभिभावकों से कि कभी भी अपने बच्चों को शिक्षा में रुकावट ना बने, उन्हें आगे। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रॉमा सेंटर में महिला की मौत हो गई है। तो वहीं कंपाउंडर पर महंगे इंजेक्शन चुराने का आरोप लगाया गया। इस बीच थाना उत्तर के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में महिला की मौत का मामला अब काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। बताया जाता है कि गलत इंजेक्शन देने की वजह से इस महिला की मौत हो गई है। हालांकि महिला को इंजेक्शन देने के बाद महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ इलाज के लिए नहीं आया और न ही दूसरे स्टाफ पर भी आरोप लगाया गया है कि उसने मरीज को गलत दवा दी है। इससे मरीज की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद परिजनों में कोहराम की स्थिति है। इनको जो डायबिटीज की थोड़ी शिकायत बढ़ गई थी, तो परसों मैंने इनको भर्ती कराया 20 तारीख को। भड़ू गुप्ता उनकी देखरेख में उन्होंने अपने आईसीयू में। अब बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर तैनात एक आईएएस अधिकारी के आवास के बाहर बुजुर्ग ने नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, जो कि आईएएस हैं, उनका सरकारी आवास है और उनका सरकारी आवास कैंट थाना क्षेत्र के बतियाहता निकट हनुमान मंदिर के पास है और इसी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी है। हालांकि इसका एक वीडियो किसी राहगीर ने बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो तेजी के साथ ही वायरल हो रहा है और आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि इस व्यक्ति का पता लगाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं खुले में नमाज पढ़ने के वाक्य अभी भी थम नहीं रहे बल्कि लगातार जारी है। इस बीच अधिकारियों के आवास के बाहर तैनात हुए सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है। गोरखपुर के सीडीओ श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी। उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है एवं वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया, कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं
और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था, तो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसको उसके खिलाफ दंडात्मक